हेलो गाइस, टेक्निकल एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत। गाइस, कोल्ड ड्रिंक तो हम सब पीते हैं, लेकिन इस तरह का जो कैन बच जाता है इसे हम लोग इजीली फेंक देते हैं। गाइस, इसको फेंकना नहीं है। आज के इस वीडियो पे मैं इसी कैन को यूज़ करके एक शानदार ब्लूटूथ स्पीकर आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को देखकर आप भी इजीली घर पे बना सकते हो एक ब्लूटूथ स्पीकर अच्छा क्वालिटी का। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट। गाइस, सबसे पहले एक माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक का कैन ले रहा हूँ। आप चाहे तो दूसरा ब्रांड का भी कोल्ड ड्रिंक का कैन इस तरह का ले सकते हैं, खाली कैन। मैं इसे भरा हुआ लेके आया था, उसके बाद मैं पूरा इसको पी गया, उसके बाद इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो जिस साइड से पीने के लिए ओपन किया था उस साइड पर आपको थोड़ा सा छोड़ के इस तरह एक राउंड मार्किंग लगा देना है, और उसके बाद आपको कैंची की मदद से इसको जो है राउंड करके कटिंग कर लेना है अच्छे से। गाइस, आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक मारना भूल जाते हो, तो अभी फटाफट से इस वीडियो को आप लाइक कर दो, और आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताओ। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पीस को मैं बिल्कुल एकदम राउंड करके कट कर लिया हूँ। उसके बाद हमें चाहिए एक 4 ओम 3 वाट का स्पीकर। ये आपको इजीली इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर मिल जाएगा, लोकल मार्केट पे, या फिर आप ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से जाकर इजीली इस तरह का स्पीकर जो है परचेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस ढक्कन पे इस तरीके से जो है स्पीकर को जो है फिट करने वाला हूँ। तो इस तरीके से लगाना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिट बैठ गया, लेकिन इसका ऊपर वाला ये वाला हिस्सा जो है कटना पड़ेगा। तो कैंची की मदद से इसको जो मैं बिल्कुल कट कर ले रहा हूँ राउंड करके। कटिंग होने के बाद गाइज, आपको एमरी पेपर से थोड़ा अंदर से क्लीन कर लेना है, बिल्कुल भी बाबरी नहीं रहना चाहिए, अच्छे से क्लीन कर चुका हूँ मैं। उसके बाद गाइज, स्पीकर को इस तरीके से फिट करना है। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया से यहाँ पे फिट हो चुका है। अभी गाइज, इसको जो है चिपकाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ कर रहा हूँ। हॉट ग्लू की मदद से बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे जो है चिपका देना है स्पीकर को। आपको ध्यान रखना है स्पीकर का अंदर ग्लू नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका आवाज़ सही से नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से टाइट हो चुका है, और उसके बाद इस तरीके से कैन को जो है फिट करना है। लेकिन गाइस, स्पीकर को यहाँ पे अभी फिट नहीं करना है, बिल्कुल लास्ट में करना है, क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत सारा सामान लगाना है। यहाँ पे आपको एक ऑन ऑफ स्विच ले लेना है, और उसके साथ में एक माइक्रो एसबी फीमेल जैक। दोनों पे मैं थोड़ा थोड़ा वायर लगा के लंबा कर लिया हूँ, और इन दोनों को इस कैन के नीचे में इस जगह पे मैं फिट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं स्विच के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा ग्रुप कटिंग कर ले रहा हूँ, और माइक्रो एसबी फीमेल जैक लगाने के लिए इस जगह पे एक होल कर ले रहा हूँ। तो कटर के मदद से मैं यहाँ पे कट करके होल कर ले रहा हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप कटिंग मैंने कर लिया, अभी इसमें स्विच फिट कर देते हैं अच्छे से। तो थोड़ा स्विच को इस तरीके से लगा कर दबाने से जो है फिट बैठ जाता है ये एकदम, और उसके बाद माइक्रो एसबी फीमेल जैक को भी उस होल पे अच्छे से यहाँ पे फिट कर देता हूँ मैं। तो इस तरीके से आपको दोनों चीज़ को जो है फिट करना है अच्छे से। तो देख सकते हैं फिट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे मैं एक एम्पलीफायर बोर्ड ले रहा हूँ 8403, और इसका आउटपुट है 3 वाट, और उसके साथ में एक ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो दोनों को आपस में एक साथ में वायर के थ्रू जो है कनेक्शन करना पड़ता है। तो चलिए इसको जो है कनेक्शन कर लेते हैं। इस बोर्ड का कनेक्शन करना काफ़ी आसान है। मैं 3 छोटा छोटा वायर जो है यहाँ पे सोल्डिंग कर दे रहा हूँ, जहाँ पे RL लिखा हुआ है, और ब्लूटूथ मॉड्यूल पे भी RL लिखा हुआ है। तो दोनों का R एक साथ में सोल्डिंग करना है, दोनों का L एक साथ में सोल्डिंग करना है, और बीच वाला डायरेक्ट सोल्डिंग कर देना है, दोनों पे सेम रहेगा। इसके बाद दोनों बोर्ड पे आपको 5V+ लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो उस जगह पे मैं रेड वायर को दोनों बोर्ड पे एक साथ सोल्डिंग कर दे रहा हूँ, और एक ब्लैक वायर लेके नेगेटिव पे दोनों का नेगेटिव एक साथ करके सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। एम्पलीफायर बोर्ड के ऊपर आपको आउटपुट लिखा हुआ देखने को मिलेगा, वो स्पीकर लगाने के लिए है कनेक्शन। तो मैं वहाँ पे एक रेड वायर और एक व्हाइट वायर दोनों को सोल्डिंग कर दिया हूँ। दोनों बोर्ड का कनेक्शन यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पे बस रेड और ब्लैक वायर पे जहाँ पे V+V- लिखा हुआ है वहाँ पे पावर देने पे ये बोर्ड जो है ऑन हो जाएगा। तो मैं पावर देने के लिए यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। 2 बैटरी यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, दोनों को एक साथ में पैरेलल कनेक्शन करके आउटपुट निकाल लिया हूँ, और इन बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं ये लिथियम आयन चार्जिंग मॉड्यूल का यूज़ करूँगा। लेकिन उससे पहले इस चार्जिंग मॉड्यूल को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इस चार्जिंग मॉड्यूल पर 2 LED लगे हुए हैं जो चार्जिंग को इंडिकेट करता है। उन दोनों LED को मैं निकाल दे रहा हूँ, उस जगह पर मैं ये LED यहाँ पर सोल्डिंग करके लगाने वाला हूँ। तो फटाफट से इन दोनों LED को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। दोनों LED सोल्डिंग हो चुका है। अभी इस चार्जिंग मॉड्यूल के पीछे डबल साइड टेप लगा के बैटरी के ऊपर अच्छे से इस तरीके से जो है चिपका देना है बढ़िया से। इसके बाद बैटरी का जो नेगेटिव वायर है उसे आपको चार्जिंग मॉड्यूल के B- पे लगा देना है, और बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है उसे चार्जिंग मॉड्यूल के B+ पे सोल्डरिंग कर देना है। तो यहाँ पे जो बैटरी के साथ चार्जिंग मॉड्यूल का कनेक्शन हो चुका है। कोल्ड ड्रिंक कैन के पीछे जो माइक्रो एसबी फीमेल जैक लगा हुआ है उसका वायर लेके आपको इस चार्जिंग मॉड्यूल पे कनेक्ट करना है।
चार्जिंग मॉड्यूल पे जहाँ पे माइक्रो एसबी फीमेल जैक लगा हुआ है उसका दो साइड में पॉइंट दिया हुआ है, पॉजिटिव वायर पॉजिटिव पे और नेगेटिव वायर नेगेटिव पे लगा देना है। इसके बाद स्विच का एक वायर लेना है और चार्जिंग मॉड्यूल का जहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट है उस जगह पे सोल्डिंग कर देना है और एक ब्लैक वायर को नेगेटिव आउटपुट पे सोल्डिंग कर देना है। यहाँ पे स्विच का दूसरा वाला वायर जो है पॉजिटिव मिल चुका है और ये चार्जिंग मॉड्यूल से डायरेक्ट हमें नेगेटिव मिल चुका है। तो अभी इस बैटरी को जो है अच्छे से अंदर फिट करना है, उससे पहले ये दो एलईडी को जो है अच्छे से अंदर फिट करना है। यहाँ पर कैन के पीछे मैं छोटा छोटा दो होल कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं, उस जगह पे एलईडी को फिट करना है। तो चिमटे के मदद से मैं इन दोनों एलईडी को जो है अच्छे से यहाँ पे फिट कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। अब इस बैटरी को जो है अंदर फिट करना है, तो उसके लिए मैं बैटरी को बस डबल साइड टेप लगा दे रहा हूँ। इस टेप के मदद से अंदर बिल्कुल फिक्स बैठ जाएगा बैटरी। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके बैटरी को अंदर डाल के और कैन के साइड पे इस तरीके से चिपका देना है। इसके बाद एम्पलीफायर बोर्ड को इसके अंदर फिट करना है, लेकिन उससे पहले ये बैटरी का जो दो वायर निकला हुआ है, एक स्विच से होता हुआ रेड वायर निकला हुआ है और एक ब्लैक वायर निकला हुआ है बैटरी का, तो इन दोनों को एम्पलीफायर बोर्ड पर सोल्डरिंग करना है। जहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट दिया हुआ है उस जगह पर इन बैटरी का दोनों वायर को जो है सोल्डरिंग कर दिया हूँ मैं। इसके बाद एम्पलीफायर बोर्ड पर डबल साइड टेप लगा देता हूँ और ब्लूटूथ मॉड्यूल पर भी डबल साइड टेप लगा देता हूँ। इसके बाद गाइस दोनों मॉड्यूल को अच्छे से कैन के अंदर डाल के और कैन के साइड पे आपको चिपका देना है। यहाँ पे ध्यान देना है कोई सा भी वायर वगैरह छूट ना जाए, बढ़िया से आपको यहाँ पे अंदर डाल के चिपका देना है। तो यहाँ पे जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है, अभी इसमें जो है स्पीकर सोल्डरिंग कर देते हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ पे दोनों वायर को स्पीकर के साथ सोल्डरिंग कर देता हूँ, पॉजिटिव वायर पॉजिटिव पे नेगेटिव वायर नेगेटिव पे सोल्डरिंग कर देता हूँ। स्पीकर का कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, अभी स्पीकर को अंदर फिक्स कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से डाल के और कैन को जो है बिल्कुल मैच करके अच्छे से बिल्कुल फिक्स करना है। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा, आराम आराम से करना है, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। थोड़ा ध्यान से एक के ऊपर एक कैन को चढ़ा के इस तरीके से अंदर डाल के दोनों को मैच करके फिक्स कर देना है। तो देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से जो है यहाँ पे फिक्स बैठ गया है। उसके बाद फेविक्विक की मदद से इस जॉइंट को अच्छे से बिल्कुल टाइट करके फिक्स कर देना है, चारों ओर अच्छे से ग्लू लगा के टाइट कर देना है। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लूटूथ स्पीकर कंप्लीट हो चुका है, तो अभी चलिए इसको चलाकर आपको दिखा देते हैं। तो चलिए इसे मैं आपको चार्ज करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे मोबाइल के चार्जर से इसे चार्ज करने वाला हूँ, तो फटाफट से चार्जिंग पिन को इस पर कनेक्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं इसका जो पिन कनेक्ट करते ही रेड लाइट जल चुका है, तो इसका मतलब चार्जिंग मोड पे है, ये चार्ज हो रहा है। जैसे ही इसका चार्ज फुल हो जाएगा तो ग्रीन लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी इसको कुछ देर के लिए चार्जिंग के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमारा चार्ज फुल हो चुका है, तो चलिए अभी इसको ऑन करके देखते हैं। जैसे ही ऑन करते हैं तो एक साउंड आता है जिसमें हमको पता लगता है कि ये ऑन हो चुका है। अभी इसको मोबाइल के साथ में ब्लूटूथ के द्वारा जो है कनेक्ट करना पड़ेगा। आप लोगों ने सुना इसका आवाज़ कितना क्लीन है और काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड ये निकाल रहा है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको NCS म्यूजिक ही चलाकर दिखा रहा हूँ, क्योंकि दूसरा म्यूजिक चलाऊंगा तो कॉपीराइट आने का चांसेस हैं, इसीलिए मैं सिर्फ NCS म्यूजिक चलाकर आपको सुना रहा हूँ। गाइज वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। गाइज इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।